साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली, आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, रोडवेज बस स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर यहां रोडवेज बस स्टैंड में परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। आज जयपुर के लिए सबसे ज़्यादा है। ये साथियों देख लो तस्वीरें, आपको मैं लंबी तस्वीरें दिखा रहा हूँ रोडवेज बस स्टेशन की। देख लो लंबी कतारें लगी है, 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ लोग कड़ी धूप में खड़े हैं, अब परीक्षा देने के लिए रवाना होंगे। कुछ ही समय बाद यहाँ बसें लगेगी और रोडवेज की प्रशासन की ओर से व्यवस्था है इनकी रोडवेज। ये देख लो लंबी कतार है, 45 डिग्री टेम्परेचर में ये धूप में खड़े हैं। देख लो छात्र परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, आज जयपुर जाएंगे ये। आज जयपुर के लिए रवाना होंगे, अब कुछ ही समय बाद बस लगेगी यहाँ पर। इनसे बात भी करेंगे, तो उससे पहले आपको मैं कुछ नज़दीक से तस्वीरें दिखा लेता हूँ इनकी। एक बार देख लो और फटाफट शेयर कर दो। कड़ी धूप में ये विद्यार्थी है, परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, जयपुर जाएंगे आज। इनकी आज जयपुर परीक्षा है। मुख्य गेट तक है, रोडवेज का जो गेट है मुख्य, वहाँ तक लंबी कतार लगी हुई है। देख लो पीछे तस्वीरें देख लो साथियों, फटाफट देख लो और शेयर कर दो एक बार। कड़ी धूप में कैसे खड़े हैं देख लो छात्र सभी। ये बस लगी है रोडवेज की, अब इस बस में बैठकर ये सब जयपुर रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें देख लो साथियों और शेयर कर दो फटाफट। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हो रोडवेज बस स्टेशन से। एक एक करके पुलिस के जवान यहाँ लगे हुए, पुलिस की ड्यूटी है। पुलिस अपनी आज पूरी ड्यूटी निभा रही है। पिछले 3 दिन से बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देश पर पूरी मॉनिटरिंग हो रही है यहाँ पर। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह जेतावत खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं शहर में अलग अलग स्थानों पर जाकर, और रोडवेज में एक एक करके सभी सवारी को पुलिस चढ़ा रही है बस के अंदर। यहाँ भगदड़ ना मचे इसलिए पुलिस के जवान यहाँ तैनात है। एक बार शेयर कर दो साथियों फटाफट। ये मदन जी माली है, भी आ गए हैं मदन जी। मदन जी भी अपना मोर्चा संभाल के बैठे हैं, ये रोडवेज के चालक है मदन जी माली है। मदन जी कैसी स्थिति है यहाँ पर? अच्छी स्थिति है। ये मदन जी माली है रोडवेज के चालक है, देख लो बिना चंपल 45 डिग्री टेम्परेचर में बिना चंपल यहाँ अपनी ड्यूटी निभा रहे है। हाथ में डंडा है, गले में विसल है। पुलिस ने भी अपना मोर्चा संभाल रखा है। तस्वीरें देख लो साथियों फटाफट, एक बार देख लो और शेयर कर दो इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये पोस्ट अधिकारियों तक पहुंचे। कैसी स्थिति है? शांतिपूर्ण व्यवस्था चल रही है। मतलब कितनी गर्मी कैसी पड़ रही है इस गर्मी में? आप कितने घंटे ड्यूटी कर रहे हो? 12 घंटे। सुबह कितनी बजे से? 7 बजे से शाम को 7 बजे। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। नाइट में ड्यूटी वाले अलग है, नाइट में अलग है। चलो साथियों फिर मिलते हैं नए लाइव के साथ, वीडियो के साथ। तब तक
दीजिए आपके भाई को इजाज़त। इधर लंगर चल रहा है साथियों खाने का, यहाँ छात्र सभी खाना खा रहे हैं, जो आए हैं बाहर से वो खाना खाने के लिए यहाँ स्टैंड के अंदर जा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं दोपहर का। ये देख लो पूरी लंबी कतार है और रोडवेज की एक बस लगी है जयपुर के लिए, रवाना होगी कुछ ही समय बाद। गर्मी में मर्जी है, बस में बढ़िया है, बताओ मैं मर्जी फोरा। तेज गर्मी है, करीबन 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर है साथियों आज बाड़मेर के अंदर, और तेज गर्मी में पूरी बस को भर लिया है। करीबन छो बंदे ये बस के अंदर कितने बैठे हैं? 50 जनों की बस है, 50 जन का क्या तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई लाइव के साथ। दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।